वेलकम टू आवर चैनल पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि आपका रेलवे एएलपी का जो वैकेंसी है वो आपका अक्टूबर 2023 में आएगा। इसके ऊपर जो है हम लोग जो है डिस्कशन करने वाले हैं और ये आपका ऑफिशियल नोटिस जब से आया हुआ है तब से जो है सबका मन में ये आपका डाउट आ गया है कि सर इतना सारा कमेंट और इतना सारा मैसेज आ रहा है कि सर एएलपी का वैकेंसी क्या अक्टूबर में आएगा या फिर अक्टूबर के बाद आएगा। तो वीडियो को आप अंत तक देखिएगा ना, तो जो भी आपका मन में आपका डाउट बना हुआ है सब आपका दूर हो जाएगा। हम लोग जो है ये कब से आपका ये मैटर उठा, ये भारत सरकार का रेलवे मंत्रालय का आपका जब ये ऑफिशियल सर्कुलर आया इसके बाद से सबका मन में आ गया कि एएलपी का वैकेंसी क्या होगा, अक्टूबर में आएगा या फिर अक्टूबर के बाद आएगा। एक बात आपको स्पष्ट बता दे, इस ऑफिशियल जो सर्कुलर है ये आपको यहाँ से क्लियर कर देंगे हम लोग, क्योंकि इतना दिन का जो अनुमान है और हम लोग जो हमेशा ऑफिशियल सर्कुलर को ही लेके बात करते हैं तभी आपका वीडियो बनाते हैं, क्योंकि इतना सारा बच्चा लोग का कन्फ्यूजन था कि सर अभी क्या अक्टूबर के बाद आएगा, आज स्पष्ट हो जाएगा कि कब आएगा आपका। ठीक है, चलिए जरा सा हम लोग एक और यहाँ पे दिखाते हैं आपको, हम लोग इस पे आने वाले हैं। किसी को अगर रेलवे का अगर आप तैयारी करते हैं ऑल एग्जाम के लिए है, रीजनिंग का आपका चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर है आपका, 8700 से भी अधिक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप टीसीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ऑल एग्जाम के लिए, एएलपी आरपीएफ जेई ग्रुप डी एनटीपीसी सभी का 2022 तक का आपका लेटेस्ट अपडेट आपका ये बुक है किरण पब्लिकेशन का। ठीक है भैया, इतना मोटा बुक है, कल आपको मैथ्स का दिखाए थे, ये आपका किरण पब्लिकेशन का है। अभी से आप प्रैक्टिस करते जाइए, आपको काफी फायदा यहाँ से मिलेगा और लेटेस्ट पैटर्न आपका पूरा ओरिजिनल 2022 तक का आपका है। ठीक है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, वहां से आप लोग इसको ले सकते हैं या फिर मार्केट से आप लोग ले सकते हैं। अब आइए, ये हम लोग जैसे आते हैं इसका 8वां नंबर पॉइंट पे अगर आप आइएगा, आपका यहीं से सबका मन में डाउट हो गया कि कब आएगा। इसको देखिए, पॉइंट को समझिएगा और क्या कहना चाह रहा है नोटिस में उस चीज को समझिएगा। 8वां नंबर पॉइंट को देखिएगा, इट मे बी इंश्योर दैट इन केस ऑफ एडिक्वेट सुटेबल कैंडिडेट आर नॉट अवेलेबल थ्रू दिस जीडीसीई वैकेंसी रिमेनिंग आर एडेड टू द डायरेक्ट कोटा वैकेंसी प्लान टू बी फिल्ड नियर फ्यूचर। आगे फ्यूचर में आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो आपका ओपन वैकेंसी होगा उसमें आपका जोर दिया जाएगा। यहाँ से तो एक चीज क्लियर हुआ, अभी आपको पता है कि ये जीडीसी का नोटिस आया हुआ था और आपका कब बोला गया है कब तक आपका जीडीसी का वैकेंसी को क्लियर कर दिया जाएगा, ये आपका यहाँ पे था। हाँ देखिए, ऑल रेलवे 6वां नंबर, ऑल रेलवे आर डायरेक्टेड टू इंश्योर दैट द टाइम लाइन फॉर नोटिफिकेशन एंड इन्विटेशन ऑफ इनोवेशन अप्लीकेशन आर एडहर्ड विदाउट फेल टू बी रेडीनेस विथ डिटेल्स ऑफ एलिजिबल अप्लीकेशन इन इच कैटेगरी ग्रुप बाई 1/10/2023। भैया एनी हाउ आपको यहाँ तक कंप्लीट करा लेना है, यह आदेश दिया गया है जीडीसी का जो वैकेंसी है। तो इस पॉइंट से और वहां से क्या दिक्कत है, दिक्कत भैया बच्चा लोग का मन में क्या आ गया, इसमें आपका क्या कह दिया गया था, पिछला पॉइंट में कहा गया कि जीडीसी का जो भी वैकेंसी खाली बचेगा उसका जो भी पोस्ट खाली बचेगा कौन कौन सा डिपार्टमेंट है वो भी दिया है, एएलपी के बारे में कहा गया है, टेक्नीशियन के बारे में, जेई के बारे में, जो भी पोस्ट खाली बचेगा उसको जो डायरेक्ट भर्ती आएगा उसमें जोड़ दिया जाएगा, ऐसा पॉइंट कहा गया है। और दूसरा क्या कह दिया गया कि 1/10 तक पूरा कंप्लीट करवा लेना है। इसके बाद सबका दिमाग में आ गया, यूट्यूब में बहुत सारा वीडियो आने लगा कि आपका अक्टूबर के बाद ही नया वैकेंसी देखने को मिलेगा। कौन कौन सा डिपार्टमेंट में, इसका जो है आपको हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं आपके सामने डिपार्टमेंट कौन कौन सा है भैया। तो डिपार्टमेंट है आपका, इसको देखिए, ये है आपका डिपार्टमेंट दिया हुआ था, एएलपी है, आरपीएफ है। अच्छा हाँ देखिए यहाँ पे कौन कौन सा डिपार्टमेंट दिया, 4वां नंबर पॉइंट में देखिएगा, टेक्नीशियन एंड एएलपी पहला ग्रुप है, दूसरा ग्रुप है जूनियर इंजीनियर का और तीसरा ग्रुप आपका ट्रेन मैनेजर का। तीन डिपार्टमेंट में अभी आपका कहा गया है, एएलपी टेक्नीशियन जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर, तीनों का आपका जीडीसी का आपका एग्जाम होगा। इसका एप्लीकेशन जब आएगा तो डिटेल से भी आपको बताएंगे, 15/7 को आपका इसका नोटिस आ जाएगा और इसका आपका 14/8 तक आप लास्ट अप्लाई कर सकते हैं और 1/10/2023 तक पूरा प्रोसेस CBT 1 CBT 2 पूरा एग्जाम हर चीज आपको कंप्लीट कर देना है, रेलवे मंत्रालय का आदेश है। देख लीजिए कौन कौन सा वैकेंसी था, असिस्टेंट लोको पायलट टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर और ट्रेन मैनेजर। तो यहाँ से सबका मन में आ गया कि अब अक्टूबर के बाद ही आएगा। अब हम जरा सा आपको दिमाग में खोल दें, ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग आ गए। अब आइए जरा सा आप लोग जरा सा देखिए समझिएगा ऐसा क्या होता है। कोई भी नोटिफिकेशन में आप देखिएगा 2018 वाला जो एएलपी का वैकेंसी आया हुआ था, एक एक पॉइंट को समझिएगा, एएलपी वैकेंसी आया हुआ था उसमें सबसे पहले वैकेंसी आपका 36,000 के करीब में था और बाद में उसको बढ़ा के 64,000 कर दिया गया है, 64,000 कर दिया गया भैया। तो वो आप इससे डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि इसमें बोल दिया गया है जीडीसी का कि अक्टूबर तक पूरा क्लियर कर दिया जाएगा, इसका मतलब अक्टूबर के बाद ही नया भर्ती आएगा,
ये आप डिसाइड नहीं, अगर ऐसा रहता तो 2018 में जो वैकेंसी आया था वो आपका पहले 36,000 आया था, बाद में 64,000 हुआ भैया। नोटिफिकेशन आपका इससे क्या प्रूव होता है, और एक चीज को समझिए, फिर आपका 2016 में एनटीपीसी में आपका वैकेंसी जो आया था पहले शायद 18,000 था, ठीक है, और बाद में आपका 14,000 कर दिया गया। तो वैकेंसी को बढ़ाना घटाना, वैकेंसी ऐड करना और आपको हटा देना भैया, वो बाद का प्रोसेस है, वो कोई जरूरी नहीं है कि इसमें आपका कह दिया। इससे आप प्रूव मान लीजिए, ये जो आप सबको अनुमान लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि अक्टूबर में ही वैकेंसी आएगा, उससे पहले नहीं आएगा, यह भैया यहाँ बिल्कुल सही नहीं है। आपका पूरा चांसेस है, क्योंकि हम आपको दिखा दिए वैकेंसी बाद में, उसमें क्या है, जो भी वैकेंसी खाली रहेगा उसको भैया बाद में भी जोड़ दिया जाता है। अरे मेरे भाई, कब इसका एनटीपीसी में तो सीबीटी 1 का होने के बाद घटा दिया गया था, एएलपी में नोटिफिकेशन आ गया, फिर कितना दिन बाद जो है जाके फिर बढ़ा दिया गया है। तो इससे आप अंदाजा बिल्कुल भी नहीं लगा सकते हैं कि अक्टूबर आएगा। अनुमान है कि अक्टूबर से पहले ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा। और हम लोग जिस हिसाब से पूरा मेहनत कर रहे हैं कि रेलवे में नया वैकेंसी लेकर रहेंगे, आप लोग भी बहुत ज्यादा मेहनत किए, ट्विटर कैंपेन किए, वो बात रेलवे बोर्ड तक भी पहुंच चुका है, तो उससे आप अनुमान नहीं लगा सकते हैं। हमें पूरा अनुमान है कि अक्टूबर तक तो भैया आना है, वो तो निश्चिंत है, वरना उससे पहले ही आपको देखने को मिलेगा वैकेंसी। इस हिसाब से आप अंदाजा लगाइए। बहुत लोग डीमोटिवेट हो चुके हैं कि अभी वैकेंसी ही नहीं आएगा, अब जीडीसी का हो जाएगा उसके बाद आएगा, उससे आप अंदाजा मत लगाइए, अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए, वरना वैकेंसी आपके सामने आएगा, उसके बाद एग्जाम भी हो जाएगा, जिसको नौकरी लेना वो नौकरी भी ले लेंगे। और भाई अभी वैसे ही हो रहा है ना, जो लोग एनटीपीसी का डेट का इंतजार कर रहे थे हो भी गया, ज्वाइनिंग भी ले लिए, जो लोग ग्रुप डी का इंतजार कर रहे थे हो भी गया भैया, ज्वाइनिंग भी ले रहे हैं, और जो लोग भैया इंतजार कर रहे हैं कि सोच रहे हैं लास्ट में आप एग्जाम का नोटिस आ जाएगा, पढ़ाई चालू कीजिएगा तो आपका सब कुछ हो जाएगा, वैसा नहीं है। एलपी के लिए इस बार आपको समय भी बिल्कुल नहीं मिलेगा, इस बार आपको 3 महीना के अंदर में एग्जाम ले लिया जाएगा, और एलपी का एग्जाम का तैयारी कम से कम 6 महीना से 8 महीना कहीं से भी कीजिए, जरूरी नहीं है कि हमसे ही कीजिए आप, लेकिन अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर दीजिए, वरना बाद में देखिएगा तैयारी करने वाला बहुत बच्चे तैयारी कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये आप दिमाग से निकाल लीजिए कि अक्टूबर के बाद आएगा या ये नोटिस में दे दिया तो पहले भी आपका आ सकता है। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने आप को मोटिवेट रखिए, और अब आप जान ही गए हैं कि वैकेंसी भैया आना है तो अपना पढ़ाई को कंटिन्यू में ला लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ता है, ठीक है। धन्यवाद सभी को।